Alright, so hey guys, once again, welcome back to another amazing video of Road Rash Rishabh. And I have the keys of Suzuki Evnis 125 और Suzuki की जो कि स्कूटर्स आती हैं अपने इंडिया में, एक्सेस आती है 125 और बर्गमन आती है 125. ये है Evnis 125 जो कि काफ़ी पहले लॉन्च हो गई थी और रिव्यू करने के लिए एक्चुअली आज हमको मिल रहा है, तो इसका एक राइट रिव्यू भी होगा. पहले हम लोग थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन के ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं. बाकी इस हिसाब का कुछ स्कूटर है, देखा जाए थोड़ा बहुत एंटॉर्क के हिसाब का लगता है. जब ये लॉन्च होने वाला था तब मैंने देखा था इसको, तब थोड़ा बहुत एंटॉर्क जैसा मेरे को शेप लगा. और जितने भी एंटॉर्क ओनर हैं वो कह रहे थे कि Evnis एंटॉर्क जैसी लगती है, तो ऐसा नहीं है, थोड़ी बहुत लगती ज़रूर है, बट यस थोड़ा सा अलग डिज़ाइन किया गया है. मुझे ये जो 3D ब्रांडिंग है ब्लैक कलर में काफ़ी अच्छी लगी. बाय द वे मेरे पास ये कलर है ब्लैक मैट कलर और ग्लास स्पार्कल ब्लैक, ऐसी करके कुछ कलर है. एक्चुअली दो नए में एक स्कूटर के. तो पहले हम लोग थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन के ऊपर बात कर लेते हैं. तो दिस स्कूटर कंसिस्ट ऑफ 8.5 HP एंड 10 Nm ऑफ टॉर्क, 124 cc's. एंड और हम लोग देखें तो एयर कूलिंग सिस्टम आपको देखने को मिल जाता है. बाकी 5.2 liters की फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाती है विद 1.3 liters ऑफ रिजर्व फ्यूल टैंक. बाकी बात करें तो माइलेज के हिसाब से देखें तो अप्रॉक्स 54-55 km पर लीटर का माइलेज ये क्लेम कर देती है स्कूटर. और रिफाइनमेंट की बात करें तो सुजुकी का प्रोडक्ट है, नो डाउट रिफाइनमेंट टॉप नॉच है इस स्कूटर की. बाकी टॉप स्पीड की बात करें तो 100-110 तक ये स्कूटी ईजिली अचीव कर लेती है. बाकी फ्रंट में आपको डिस्क देखने को मिल जाएगा, रियर में आपको ड्रम एज ऑब्वियस देखने को मिल जाएगा. बाकी आपको फ्रंट में 12 इंचेस और रियर में 10 इंचेस का आपको अलॉय देखने को मिल जाएगा, जिसमें फ्रंट में आपको 90x90 और रियर में 90x100 का टायर देखने को मिल जाएगा, विच इज़ ट्यूबलेस बट नॉट अ रेडियल वन. एंड इतनी कुछ स्पेसिफिकेशन थी. बाकी ओवरऑल वेट के ऊपर हम लोग बात करें तो 186 kg का वेट है. बाकी सीट हाइट आपको 780 mm की देखने को मिल जाएगी एंड 160 mm की ग्राउंड क्लीयरेंस भी आपको बेल्ट देखने को मिलती है इसमें. नो चेन ड्राइव स्कूटर्स में ये रहता है. पीछे से एक बार लुक दिखा देते हैं कुछ हिसाब का लगता है, काफ़ी बढ़िया देखने को लगता है. बाकी ये तीन वेरिएंट में आती है, एक स्टैंडर्ड आती है, एक राइड कनेक्ट वेरिएंट है और एक इसका मोटो जीपी वेरिएंट है. मोटो जीपी हम लोग एक हिसाब से रेट एडिशन वेरियंट कह सकते हैं, इसमें सुजुकी बड़ा बड़ा सा लिख के आता है. तो ये मिड वेरियंट है जो कि यहाँ पर आप राइड कनेक्ट एडिशन इधर आप देख सकते हो इसमें लिख रहा है. तो राइड कनेक्ट एडिशन की ब्रांडिंग यहाँ पे दी रखी है. आप ब्लूटूथ से ईजिली कनेक्ट कर सकते हो, जिससे आप मैसेजेस अपने देख सकते हो, नेविगेशन देख सकते हो अपने राइड कनेक्ट का, जो सुजुकी का राइड कनेक्ट ऐप है उसके थ्रू. बाकी इंस्ट्रूमेंटल कंसोल मेरे को थोड़ा बहुत अपना एक्सिस जैसा ही लग रहा है. और इस आपका कुछ इंस्ट्रूमेंटल कंसोल है, फुली डिजिटल है. बाकी आपको रियर में LED और फ्रंट में भी आपको LED देखने को मिल जाती है. बाकी आपको इंडिकेटर्स नॉर्मल हैलोजन ही देखने को मिलते हैं, दैट्स इट. और अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंटल कंसोल के ऊपर, फिर एक राइड रिव्यू करके पूरी वीडियो को एंड करेंगे. तो यहाँ पे हम लोग एक बार की डालते हैं. तो यहाँ पे ऑन ऑफ और इथेरी में आपको सीट का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा. ओके, तो ऑन करते हैं. इस आपका कुछ इंस्ट्रूमेंटल कंसोल है, यहाँ पे आपको जब आप कनेक्ट करोगे सारी नेविगेशन देखने को मिल जाएगी. इधर से 10 इंडिकेटर्स, यहाँ पे एक कॉशन की वार्निंग देखने को मिल जाएगी, यहाँ इंजन चेकलाइट वार्निंग, ये हाई बीम की लाइट है, यहाँ एको मोड, यहाँ पे आपको मोड देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे पेयरिंग मोड देखने को मिल गया है. और आपको सिंगल स्विच में किल और इग्निशन दोनों ही देखने को मिल जाता है, इधर हाई बीम लो बीम और इधर से 10 इंडिकेटर्स और यहाँ पे हॉर्न. तो एक बार हाई बीम दिखा देते हैं, इस आपकी कुछ हाई बीम है और ये है लो बीम, डैट्स इट. और पास का इसमें कोई नहीं है. ऑलराइट, तो पास का इसमें कुछ नहीं है. सो यहाँ पे स्पीडोमीटर, यहाँ पे इंजन फ्यूल इकोनॉमी, यहाँ पे टाइम आपको देखने को मिल जाता है, यहाँ पे सर्विस रिमाइंडर देखने को मिल जाता है, यहाँ पे ट्रिप ए मीटर, एक बार इस बटन को दबाते हैं. ऑलराइट, सो इस बटन को दबाकर यहाँ से पेयरिंग हम लोग कर सकते हैं अपना. और इधर बटन दबाते हैं एक बार सिलेक्ट की, तो यहाँ पर ट्रिप बी, एवरेज बी एंड ये शायद डिस्टेंस टाइम इकोनॉमी होगा मे बी. और यहाँ पे वोल्ट मीटर, यहाँ पे ओडो मीटर, यहाँ ट्रिप ए मीटर, डैट्स इट. तो आपको एक ट्रिप मीटर देखने को इसमें मिल जाता है. और इस आपकी कुछ फ्रंट का लुक है, फ्रंट का लुक एक बार मैं दिखा देता हूँ, इस आपका कुछ फ्रंट का लुक है. और कानपुर में मौसम थोड़ा सा फॉग सा है, तो कोशिश यही करें कि अपने घर पे ही रहें. बाकी मेरे को तो रिव्यूज़ करना है तो घर के बाहर निकलना ही पड़ेगा. वेल, इस आपकी कुछ है ये. ऑलराइट, सो एक टेस्ट राइड लेते हैं इस स्कूटर की, बाकी और दिखा देते हैं. इधर साइड आप अपना कुछ स्टफ रख सकते हो और इधर भी एक स्पेस दे रखी है, इधर एक हुक दे रखा है जिसमें आप अपना कोई भी बैग वैग कैरी कर सकते हो इधर साइड.
और इधर आपकी फ्यूल लिट है, अंडर सीट स्टोरेज भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आपको फुट पैक इस आपके कुछ देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पे लेडीज़ फुट पैक भी आपको देखने को मिल जाता है। डेट्स इट, थोड़ी सी एक राइड करते हैं और देखते हैं स्कूटर किस हिसाब का आइए, तो चलते हैं अपने हेलमेट में। ऑलराइट, सो मैं अपने हेलमेट में आ चुका हूँ, यहाँ से स्टैंड हटाते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं इसमें साइड स्टैंड कट स्विच में देखने को मिलता है कि नहीं। ऑलराइट, स्टार्ट नहीं हो रही, स्टैंड हटाया, अब स्टार्ट हो जाएगी, स्टैंड लगा के देखते हैं। ऑलराइट, ऑफ हो गई। सो काफ़ी ये भी अच्छा फीचर है, और अब जितनी भी स्कूटर आ रही उसमें ये फीचर कर दिया, फास्ट लाइट इसमें नहीं देखने को मिलती, आपको ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, विच इज़ क्वाइट टफ मेरे को लगता है। इधर एक हो जाता तो ऐसे ऐसे करके हो जाता, डेट्स इट, कोई दिक्कत नहीं है, चलते हैं थोड़ा सा। एंड राइट फ्रॉम द पावर पिकअप, काफ़ी अच्छा पावर पिकअप है इस स्कूटर का, ब्रेकिंग एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, सो ब्रेकिंग अच्छी है काफ़ी, जो साइलेंटली स्कूटर चल रहा है तो काफ़ी अच्छा मतलब चल रहा है, और अगर मैं अंडर 40 के नीचे रहूं तो एको मोड पे ये चलती है, इसके ऊपर मैं जैसे ही रन करूंगा एको मोड यहाँ से हट गया। राइट, चलने में काफ़ी परफेक्ट है, काफ़ी स्मूथ चल रही है, एस ऑलवेज सुजुकी का प्रोडक्ट है, स्मूथनेस तो आपको टॉप नॉच देखने को मिली जाएगी, और काफ़ी कंफर्टेबल है स्कूटर जिस हिसाब से मैं चला रहा हूँ। इधर साइड से लोग चलते हैं, स्कूटर का पावर पिकअप काफ़ी अच्छा है, और अगर आप ऐसे ही नॉर्मल भी थोड़ा सोचोगे कि लाइक हम नॉर्मल सा चला के देखते हैं, तो जैसे मैं अभी 40 पे चल रहा हूँ तो काफ़ी अच्छा चल रहा है, काफ़ी मज़ेदार चल रहा है। इधर से थोड़ा सा चलते हैं, पावर पिकअप काफ़ी अच्छा है स्कूटर का, मुझे पर्सनली पावर पिकअप इसका काफ़ी अच्छा लगा, और लाइक मज़ेदार स्कूटर है। बट देखा जाए तो इसके जो राइवल्स में जैसे बगमन भी आती है और एक्सेस 125 भी आती है, वो सिटी यूज़ के लिए थोड़ा सस्ता हो जाती है, बट ये जो स्कूटर है आप एक हिसाब से रेस टाइप का स्कूटर इन लोगों ने बना के रखा है, टोटल कंपटीशन एंटॉर्क को रखा गया है, और थोड़ी बहुत एंटॉर्क जैसी लगती है। बट एक चीज़ मैं कहूँगा कि जो कि एंटॉर्क है उसका जो प्राइस है अगर आप देखो तो ये आती है 1,10,000 कुछ की, और एंटॉर्क वहीं 95-96 की है, तो 14,000 का फ़र्क है, 125 cc वो भी है। एंटॉर्क का मुझे थोड़ा सा पिकअप एक्स्ट्रा लगा एज कम्पेयर टू दिस स्कूटर, बट ओके है, कोई वैसे वाली बात नहीं है। अगर आप ये भी लेते हो तो काफ़ी अच्छा है, रिफाइनमेंट आपको बहुत अच्छी देखने को मिल जाएगी। देखा जाए तो मे भी ये जो 14,000-15,000 का फ़र्क है, ये आई थिंक सो जो इनके सुजुकी का प्रोडक्ट है, मे भी इस वजह से इन लोगों ने प्राइस ही रखा होगा, बट ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है, बट प्राइसी है ये मैं कहूँगा। बट अगर उसके अलग साइड से देखें तो रिफाइनमेंट है स्कूटर में, काफ़ी अच्छा रिफाइनमेंट आपको देखने को मिल जाता है, चलाने में काफ़ी मज़ेदार स्कूटर है, मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा ये स्कूटर लगा। ऑलराइट, सो अभी मैं नॉर्मल चल रहा हूँ, जैसे ही मैं जो मेरी अंडर 50 पे भी इसमें दे रहा है, अभी मैं 40 प्लस चल रहा था, एको मोड पे चल रहा था, मेरे को लगा 40 के नीचे ही एको मोड होगा, तो 50 पे भी आप चलोगे तब भी आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप नॉर्मल आराम से ऐसे ही करके चला रहे हो, एक नॉर्मल सिटी वाली स्पीड लेके चल रहे हो, तो आपको एको मोड देखने को मिलेगा, एको मोड में ऑब्वियसली बात है आपको माइलेज देखने को मिलेगा, बट जहां आपने भगाना चालू करी एको मोड यहां से चला गया, ये है। और अगर यही मैं इसी स्पीड पे नॉर्मल एकदम चला रहा हूं, जैसे मैं नॉर्मल चला रहा हूं तो एको मोड में चल रही है, और अचानक से खींचना चालू एको मोड चला गया, तो ये एक अलग चीज है, ये मैंने स्कूटर में देखा है, मे बी सुजुकी के प्रोडक्ट्स में ये होता भी है, तो ये एक अच्छी चीज़ भी है कि आपकी जितनी भी स्कूटर है एक माइलेज भी अच्छा ले रही है, और जहाँ पे आपने पावर आउटपुट निकालना चालू किया वहीं पे आपका एको मोड हट गया, तो ठीक भी है ये चीज़। बाकी मुझे पर्सनली स्कूटर काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी कंफर्टेबल है, और देखा जाए थोड़ा सा एग्रेसिव भी है राइडिंग स्टाइल में, और इसका राइड रिव्यू भी मैं एक्चुअली बनाना चाह रहा था बट मेरे को स्कूटर मिल नहीं रहा था, तो फाइनली स्कूटर एक मिल गया राइड रिव्यू के लिए, तो काफ़ी अच्छा स्कूटर है, चलाने में काफ़ी मज़ेदार है, और खींचते हैं थोड़ा सा। अगर टाइम मिला तो यस, मैं एक बार एंटॉर्क से ज़रूर कंपैरिजन करूंगा, क्योंकि इसका कंपैरिजन डायरेक्ट एंटॉर्क से है,
अगर इसके साथ वाले स्कूटर देखें जो कि इन्हीं के कंपनी के आते हैं, जो कि आपका एक्सेस 125 हो गया, बगमन हो गया 125, बगमन स्ट्रीट एक्स 125 भी आ गया, उसका भी रिव्यू मेरे को बहुत जल्दी आप लोगों को प्रोवाइड करना है अपने यूट्यूब चैनल पे। फॉर डैट यू हैव टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, राइट। तो देखा जाए काफ़ी मज़ेदार स्कूटर मेरे को लगा अपने प्राइस सेगमेंट में, तो इस हिसाब का कुछ ये है। ऑल राइट, अब यहाँ से खड़ी करते हैं और वीडियो को करते हैं हम लोग एंड। तो मेरे को ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करना है। सो इस हिसाब का कुछ स्कूटर है, मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी बढ़िया है, प्राइसी है थोड़ा, ये मैं कहूँगा 1,10,000 है। वहीं पे आपको एंटॉक 95,000 कुछ में मिल जाती है, ये 1,10,000 की मिलती है, 1,10,000 का इसका प्राइस है। बट देखा जाए प्राइस के हिसाब से स्कूटर प्राइसी है, बट यस स्कूटर काफ़ी अच्छा है, सुजुकी का प्रोडक्ट है, काफ़ी अच्छी रिफाइनमेंट आपको देखने को मिलती है, मुझे पर्सनली बहुत मजा आया इसको चला के। बाकी हम लोग वीडियो से एंड करते हैं, तो वीडियो अच्छी लगी दोस्तों लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन डोंट यू फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक फॉर